वही खड़ी मशीन का डैम है जहाँ पे कल रात एक समीर नाम के 17 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी और रात में 9 बजे के आसपास उसकी लाश यहाँ से निकाली गई। मगर आज सुबह में यहाँ पे फिर से कुछ बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सब बच्चे सुबह सुबह यहाँ पे फिर नहा रहे हैं। अभी भी यहाँ पे प्रशासन की आँख नहीं खुली है, ना यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इंतज़ाम के लिए आया, यहाँ ना ही कोई यहाँ पे बंदोबस्त के लिए आया है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह भी यहाँ बच्चे पानी में नहा रहे हैं। कल रात में ही यहाँ से ही बच्चे की लाश निकाली गई थी। ये डैम है या मौत का कुआं है, बार बार यहाँ मासूम बच्चों की मौतें हो रही है और प्रशासन इसके हिफाजत के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। किस लिए आए थे बेटा? नहाने के लिए। कहाँ रहते हो? बड़ी मशीन। बड़ी मशीन, तो तुमको मालूम है यहाँ पे रात में एक और डूबने से कोई बच्चा मर गया था? नहीं मालूम। तो फिर कैसे होगा फिर ये भैया, तुम बार बार यहाँ पे आ रहे हो? आ जाया। अभी सीधे घर पे जाओ, दोबारा आना नहीं। पर हार्ट टाइम्स के जरिए हमने इससे पहले भी प्रशासन को जागरूक कराया था, मगर अभी तक प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बच्चों का यहाँ पे आना जाना चला है और लोग अभी भी यहाँ पे नहा रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। और ना जाने प्रशासन की ऐसी लापरवाही की वजह से कब तक और मासूम बच्चों की जान जाती रहेगी। आज हमारे बीच यहाँ के स्थानीय नगर सेवक शानू पठान मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। शानू भाई, सबसे पहले ये बताइए, इन 15 दिनों में यहाँ पे 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है, इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो डैम है ये महाराष्ट्र शासन की तरफ से बनाया गया, कलेक्टर मैडम जोशी मैडम के से माध्यम से बनाया गया। और जब ये डैम बनाया गया तो बनाया डैम ठीक है, मुमरा की आवाम के लिए पानी की सहूलत के लिए बनाया गया, पानी की तकलीफ थी इसलिए ये डैम बनाया गया। लेकिन साथ ही साथ जब डैम बनाना चाहिए तो प्रशासन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये डैम बनता है तो हम सेफ्टी के लिए लोगों के उस उधर लोग ना जाए और लोग आए भी तो अंदर डैम तक ना जाए, इसकी सेफ्टी का भी उनको ध्यान रखना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। लाखों रुपए डैम पर खर्चा किया है लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी के तार की बाउंड्री वॉल है वो सब बनाना चाहिए था, वो प्रशासन ने उसमें चूक गया, वो उनकी गलती है, वो तो मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। पानी देख के, इतना खूबसूरत पानी देख के किसी भी बच्चे को मन होता है इसमें पानी के अंदर डूबने का। हालांकि ये डैम गहरा नहीं है ज़्यादा, 16 फीट डैम है, लेकिन इसमें 4.5 से 5 फुट कीचड़ है। जब पानी के अंदर डूबते हैं तो कीचड़ के अंदर जैसे ही पार जाता है वो कीचड़ अंदर बच्चों को खींच लेती। दो बच्चों की तो मैंने खुद निकाला हूँ, इसके पीछे डीगा डैम एरोली पे, वहाँ पे भी कई बच्चे गए हैं। इसके हम लोग प्रशासन से ये मांग नहीं, यहाँ के लिए नहीं, हम जो एरोली में जो डीगा डैम है उसके लिए भी हमें आमदार साहब से, अध्यक्ष साहब से मैंने बात की, अशमी खान साहब से, लोग से। मैं मुमरा कौसा की आवाम से ये गुजारिश करूँगा प्रहार टाइम के माध्यम से कि आपसे मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, एक निम्न विनती है कि आप खड़ी मशीन के डैम में ना आए, मस्ती मजाक में हम अपनी जान से ना खेले। हम परहा टाइम्स के ज़रिए उन माँ बाप को ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस खूनी डैम की तरफ ना आने ना दें, क्योंकि हो सकता है कि ये खूनी डैम उस बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सके। अब देखना यह है कि प्रशासन इस डैम के लिए क्या ठोस कदम उठाता है या इसी तरह और मासूम बच्चों की जान जाती रहेगी। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, परहा टाइम्स।